सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बेल बॉटम बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आज मैं आपको बेल बॉटम कटिंग पहले सबसे बताऊंगी। ये देखें, इसके लिए मैंने दो ब्राउन पेपर ली है। ये आपके पास ये ब्राउन कागज था, इसको मैंने यूं लंबाई में तय लगा ली। सेम इसी तरीके से ये मैंने नीचे वाले को भी तय लगा लिया। इस ब्राउन पेपर की जो लंबाई है वो 33 इंच है। ये छोटी बच्ची का बनेगा, इसकी जितनी मैं आपको मेजरमेंट्स बताऊंगी वो छोटी बच्ची की होगी, लेकिन अगर आपने किसी बड़ी लड़की का बनाना है तो उसके लिए आपने 2.5-3 गज जितनी लंबाई है वो सारी लेनी है, और बार भी आपने सारा लेना है। बड़ी लड़की के लिए 2.5 गज और छोटी बच्ची के लिए ये मैंने 32-33 इंच कपड़ा लिया है। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताऊंगी कि किस तरह इसकी कटिंग होगी। इसके लिए मैंने ये दोनों पेपर्स को ऊपर नीचे रखा, इस तरह मैंने इसको बराबर रख लिया। इसके बाद हम इसके ये देखें, लेंथ इसकी 33 है और इसकी जो विड्थ चौड़ाई है वो हमारे पास 13 इंच है। अगर आप लॉन का बनाएंगे वो 20 इंच होगी। यहाँ पे इसकी चौड़ाई 13 इंच है। अब हमने क्या करना है, मैं इसका आसन रखूंगी, ये देखें 15 इंच, क्योंकि अभी ये मेरे पास छोटा है तो मैं छोटा रखूंगी, लेकिन अगर कोई बड़ी लड़की का होगा 2.5 गज कपड़ा लेना है तो उसका 18 इंच आपने आसन रखना है, जैसे आम शलवार का रखते हैं। इधर भी एक हल्का सा निशान लगाएंगे, एक हम इस साइड पर निशान लगा लेंगे। जिस साइड से हमने कटिंग करनी है उस साइड से, मैं अभी ये तकरीबन 1.5 इंच रख रही हूं, आपने 2 इंच रखना है। ये बच्ची का इसलिए मैं 1.5 इंच, बड़ी होगी तो आपने 2.5 से 2 इंच इसको आसन रखना है साइड। इसके बाद इसको आपने यूं एक सीधी लाइन खींच लेनी। इसके बाद आपने इसको हल्की सी यूं कर्व देनी है, जैसे हम ट्राउजरों की कटिंग करते हैं, पैंट ट्राउजर की। ये गुलाई आ गई, ये आपका आसन तैयार हो गया। अब हमने नीचे से क्या करना है, पैंचे का जो मैं बताऊंगी आपको, ये मेरे पास 13 इंच है लेकिन मैं तकरीबन 10 इंच पोंचा रखूंगी। 2 इंच हम इधर से करेंगे, 2 इंच हम इधर से निकाल लेंगे। अब अगर कोई बड़ा है तो वो तैयार 14 इंच रखेगा, इससे ज्यादा अगर आप चौड़ा रखेंगे तो वो प्लाजो की शेप हो जाएगी। बेल बॉटम में बस आपने 14 रखना है, इससे काम कर सकते हैं, बढ़ाना नहीं है आपने। और यहां से जहां से आपके घुटने का स्टार्ट होगा वहां से आपने इसको 8 इंच कर लेना। अगर नीचे से 14 है तो ऊपर से आपने 11 रखना है, और जितना बार आएगा आसन से हिप से वो आपने सारा रखना। अब मैं आपको सारा निशान लगाकर दोबारा से इसकी मेजरमेंट बताती हूँ। अब मैंने इसको निशान लगा लिए, दोबारा से बताती हूँ। यहां से हमने 1-1 इंच रखा, 1 इंच इधर से मैंने 1 इंच लिया, इधर से भी 1। आप इसको चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको घेर ज्यादा करके दिखा रही हूं ताकि मसला ना आए आपको। 1 इंच मैंने यहां से ले लिया, 1 इंच यहां से, टोटल जो पोंचा होगा वो हमारा 11 इंच बनेगा, 11.5 इंच हमारा ये बनेगा, 11 और ये 1/2 इंच ऊपर। इसके बाद यहां से 9 इंच
ये मैं आपको कटिंग का बता रही हूँ, जब ये तैयार रहेगा तो ये 8 इंच हो जाएगा, क्योंकि इधर से भी सिलाई आनी है और इधर से भी सिलाई आनी है। इसी तरह ये जो तैयार होगा तो ये हमारा 10 इंच रहेगा, इधर से भी सिलाई आएगी और इधर से भी सिलाई आएगी। लेकिन कटिंग में ये अभी 11.5 इंच है, ये 9 इंच है और फिर ये हमारा 11.5 इंच आ जाएगा। इसके बाद जो ऊपर का यहाँ पे हिप्स वाला पोर्शन है, ये आपने सारे का सारा बार रखना है। सिर्फ यहां से हम, ये बच्ची है इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया, आपने बड़ी का 2.5 इंच रखकर इसके आसन की कटिंग करनी है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब दूसरी तरफ से कटिंग करूंगी। ये नीचे से शेप आ गई बेल की, ये देखें। अब हम आसन की कटिंग करेंगे। ये अब हमारा आसन की कटिंग भी हो गई। अब हमने इसको सिंपल काट कर अलग कर लेना है। क्योंकि इसको हमने सिलाई करनी है, ये ऊपर तक सिलाई आ गई। इस तरह आपने इसको काट कर अलग कर लेना है। अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा अब बेल बॉटम की जो कटिंग है वो आपके सामने है, हमने इसको काट लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्टिचिंग आएगी। स्टिचिंग में आपको कपड़े वाले बेल बॉटम की बताऊंगी, कटिंग मैंने आपको ये ब्राउन पेपर पर करके बता दी है। यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ना सिलाई का टिप भी दे देती हूँ साथ में इसके। ये देखें जिस तरह ये आपके पास पड़ा हुआ है, इसको आपने खोल कर इसको इसके साथ जोड़ना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ आपने जोड़ना है। इसके बाद साइडों पर आपने इसी तरह इसको सिलाई कर देना है दोनों तरफ से। और ये सिलाई भी आपके 3 स्टेप है, पहले आपने ये मियानियां सीनी है, साइड पे सिलाई, नेवा और ये आपके सेंटर की सिलाई। उम्मीद करती हूँ कि इसकी आपको कटिंग समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें।